कश्मीर के राजौरी जिले के नौसेना सेक्टर पहुंचे, जहां पर इन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है और कई साथी जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं। जानिए इस खबर को विस्तार में। पीएम सभी जवानों से बातचीत कर उनका हाल चाल भी ले रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री भी उत्साहित हैं और वहां मौजूद सैनिक भी उनकी उपस्थिति से खुश नजर आ रहे हैं। पीएम ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि ये उनका वो परिवार है जिसके साथ उन्होंने अपनी हर दिवाली मनाई है। उन्होंने बताया कि पहले गुजरात के सीएम के तौर पर और फिर पीएम के रूप में उन्होंने हर दिवाली अपने इस परिवार के साथ ही मनाई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये जवान यहाँ पर सीमा पर डटे रहते हैं, इसी वजह से पूरे देश चैन की नींद सो पाता है। उन्होंने सभी जवानों को देश का सुरक्षा कवच बताया और कहा कि देश में उन्हीं की वजह से शांति और सुरक्षा बनी हुई है। उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें वीरता का जीता जागता उदाहरण भी बताया। अपने संबोधन में भी पीएम ने पिछली सरकारों पर तंज भी कसा। उनकी नजरों में पहले देश के जवानों के लिए जब हथियार खरीदने होते थे तब हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया जा रहा है। अब देश के अंदर ही अत्याधुनिक हथियार बनाए जा रहे हैं। सेना में महिला की बढ़ती भागीदारी भी पीएम ने खुशी जाहिर की। उन्होंने बताया कि अब एनडीए और दूसरे मिलिट्री स्कूल में भी लड़कियों को पूरा मौका दिया जा रहा है। अब आर्मी में भी उनकी सक्रियता काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस वजह से देश की सेना की पहचान पूरी दुनिया में और ज्यादा सशक्त हुई है। जनों के बीच बिताई है। आज मैं फिर आपके बीच आया हूँ, आपसे नई ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, नया उमंग लेकर के जाऊंगा, नया विश्वास लेकर के जाऊंगा। लेकिन मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद आपको लेकर के आया हूं, ढेर सारा आशीर्वाद लेकर के आया हूं आपके लिए। आज शाम को दिवाली पर एक दिया आपकी वीरता को, आपके शौर्य को, आपके पराक्रम को, आपके त्याग और तपस्या के नाम पर, और जो लोग देश की रक्षा में जुटे हुए हैं ऐसे आप सबके लिए, हिंदुस्तान का हर नागरिक, वो दिए की ज्योत के साथ आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता रहेगा। और आज तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप घर पर बात करेंगे, हो सका तो फोटो भी भेज देंगे, और मुझे पक्का विश्वास आप कहेंगे हाँ यार इस बार तो दिवाली कुछ और थी, कहेंगे ना। देखिए आप रिलैक्स हो जाइए, आप कोई आपको देखते नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा आप ये भी बताएंगे ना कि मिठाई भी बहुत खाई थी, नहीं बताएंगे तो बोलो ना। साथियों आज मेरे सामने देश के जो वीर है, देश की जो वीर बेटियां हैं, वो भारत मां की ऐसी सेवा कर रहे हैं जिसका सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता, किसी किसी को ही मिलता है, जो सौभाग्य आपको मिला है। मैं देख रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं आपके चेहरे के उन मजबूत भावों को, मैं देख रहा हूं आप संकल्पों से भरे हुए हैं, और यही आपके संकल्प, यही आपके पराक्रम की पराकाष्ठा करने की भावनाएं, चाहे हिमालय हो, रेगिस्तान हो, बर्फीली चोटियां हो, गहरे पानी हो, कहीं पर भी आप लोग मां भारती का एक जीता जागता सुरक्षा कवच है। आपके सीने में वो जज्बा है
जो 130 करोड़ देशवासियों को भरोसा होता है वो चैन की नींद सो सकते हैं। आपके सामर्थ्य से देश में शांति और सुरक्षा, एक निश्चिंतता होती है, एक विश्वास होता है। आपके पराक्रम की वजह से हमारे पर्वों में प्रकाश फैलता है, खुशियां भर जाती हैं, हमारे पर्वों में चार चांद लग जाते हैं। अभी दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, फिर भैया दूज और छठ पर्व भी बिल्कुल गिनती के दिनों में सामने आ रहा है। आपके साथ ही मैं सभी देशवासियों को नौशेरा की इस वीर वसुंधरा से, इन सभी पर्वों के लिए देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के अन्य हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग आज दिवाली का जब दूसरा दिन होता है तो नववर्ष की भी शुरुआत करते हैं, और हमारे यहां तो हिसाब किताब भी दिवाली से पूरा होता है और दिवाली के दूसरे दिन से शुरू होता है। खास करके गुजरात में कल नया साल होता है, तो मैं आज नौशेरा की इस वीर भूमि से गुजरात के लोगों को भी और जहां जहां नववर्ष मनाते उन सबको भी अनेक अनेक मंगल कामनाएं उनके लिए देता हूं। साथियों, जब मैं यहां नौशेरा की पवित्र भूमि पर उतरा, यहां की मिट्टी का स्पर्श किया तो एक अलग ही भावना, एक अलग ही रोमांच से मेरा मन भर गया। यहां का इतिहास भारतीय सेना की वीरता का जयघोष करता है, हर चोटी से उस जयघोष सुनाई देता है। यहां का वर्तमान, यहां का वर्तमान आप जैसे वीर जवानों की वीरता का जीता जागता उदाहरण है। वीरता का जिंदा सबूत मेरे सामने मौजूद है। नौशेरा ने हर युद्ध का, नौशेरा ने हर युद्ध का, हर छद्म का, हर षड्यंत्र का माकूल जवाब देकर कश्मीर और श्रीनगर के प्रहरी का काम किया है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अजय भारत। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।